मेरा नाम विमी इंद्रा है और मैं पटना बिहार से हूँ। लास्ट 12 साल से मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। मेरी आर्ट की जर्नी बहुत लंबी नहीं है। अभी इस 2004 में मैंने पेंटिंग की शुरुआत की। 2008 में मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई तब से मेरा रेगुलर काम शुरू हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मेरी जर्नी 2008 से शुरू हुई, तो ये कुल मिला के 12 साल की मेरी जर्नी है। एक मुझे छोटी सी एक वाकया याद आता है, जब स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर्स नहीं होते थे उस टाइम मैं ब्लैक बोर्ड पे जाके चौक से कुछ ड्राइंग बनाया करती थी। इसी दौरान एक बार मैंने एक मुर्गा मैंने एक उस पर बनाया हुआ था, एक बड़ा सा एक हेन था उस बनाया हुआ था मैंने तो, और अचानक से टीचर वो रूम में आ गए और मैं उसको मिटा नहीं पाई, जो कि यूजुअली मिटा दिया करती थी। तो वो आए और उन्होंने बोला कि ये किसने बनाया है। किसी ने पीछे से हाथ ऊपर करके बोला कि ये विमी ने बनाया है। उन्होंने बोला विमी इधर आओ, और उन्होंने बोला कि ये स्कूल का तुमने ये बिल्कुल ये स्कूल के बोर्ड पे ये बनाना नहीं था, जाके पीछे बेंच पे खड़ी हो जाओ और पूरे क्लास खड़ी रहना। तो ये हमारी आर्ट की हमारी बेसिक शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, जब ये फर्स्ट पनिशमेंट मुझे मिला था ये ड्राइंग बनाने के लिए। इच्छा थी मुझे कुछ करने की, छोटी बेटी मेरी उस टाइम 2 साल की थी, तो मैंने बोला कि अभी ये 3-4 साल में तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि आई कैन टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। तो इन्होंने अंजलि मैडम से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला आप इस पिकमेके के मेम्बर हो, इसलिए आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इसमें अलाउड नहीं है। इन्होंने बोला मैडम आप इसको अलग से अलाउ कर दो, इसको जो भी इस पिकमेके जो उसको फैसिलिटीज़ देते हैं स्टूडेंट्स को वो ये नहीं लेगी, वो अपने 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 पैसों पे जाएगी, अपने खर्चे पे रहेगी, आप बस इसको गाइड कर दो 1 महीने के लिए। देन सी सेड कि यस। उसके बाद मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स लेके जब उस वर्कशॉप के लिए मैं गई, 1 महीने का वर्कशॉप था वो दिल्ली में, 2004 की बात है ये। उसमें मैं डरते डरते इनके पास इनके ऑफिस में पहुँची, कुछ अपनी पेंटिंग्स लेके। आई वॉज वेरी मतलब नर्वस, अब इतने बड़े आर्टिस्ट के पास जा रही हूँ, क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। कुछ मैंने अपनी पेंटिंग्स ली और गई, तो उन्होंने पहले सारी पेंटिंग देखते देखते अच्छा ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है। एंड व्हेन सी सॉ वन ऑफ मतलब एक मैंने अपना खुद का एक पोर्ट्रेट किया हुआ था, उन्होंने जब इसमें मेरी पोर्ट्रेट पे उनकी नज़र गई तो उन्होंने पूछा ये तुम्हारी पोर्ट्रेट है। मैंने बोला कि सॉर्ट ऑफ, बट मैंने इसको पूरा अपना खुद का नहीं बनाया है, आप जस्ट मतलब कि लिटिल बिट ऑफ बिगाड़ो माई फेस देयर, नॉट टू शो कि ये मेरा सेल्फ है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा हाथ अच्छा है, यू कैन इम्प्रूव। और एक यही लाइन हमारे लिए काम कर गई और मैं उनके साथ एक वर्कशॉप में 1 महीने के लिए रही। विमी इंद्रा, विमी इंद्रा ने जो चित्र बनाए हैं वो कश्मीर के आज के एटमॉस्फेयर पे बनाए हैं। क्या एटमॉस्फेयर है तो देखिए, अब कश्मीर स्वतंत्र हो गया है, देश का पार्ट है, वो दबाव जुगाड़ दिया है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो एक महिला कलाकार के रूप में ये एक विंडो, ये खिड़की ओपन हुआ है देश के लिए। ये काम का संग्रह राष्ट्रपति भवन में होने जा रहा है और सभी ने मिलके जो काम का अपना जो हुनर दिखाया है, योगदान दिखाया है, राष्ट्रपति भवन की ये शोभा बढ़ाएगा। और इसके लिए ललित कला अकेडमी के लिए एक बहुत बहुत एक खुशी है इस बात की, इसके आयोजन के लिए मुझे भी बहुत खुशी है एक चेयरमैन के नाते, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। एक आईफैक्स में एक वर्क का मेरा सिलेक्शन था, 82nd आईफैक्स आई थिंक था वो। उसके बाद 2011 में मेरा एक पोर्ट्रेट में उसमें सिलेक्शन था। फिर 2012 में 4 साल काम करने के बाद मैडम ने मेरे गुरुजी ने मुझे यही कहा कि जब तक तुम्हारा वर्क इस तरीके का नहीं हो जाता है कि इट शुड बी अप्रिसिएटेड बाय ऑल,
तुमको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं 4 साल तक काम करने के बाद फाइनली आई हैड माई फर्स्ट सोलो इन 2012 इन त्रिवेणी एंड इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल वन. एंड इट वॉज माई गुरु अंजलि एला मेनन हु डिड एवरी थिंग फॉर दिस एग्जीबिशन. सी प्लान्ड इट, सी उन्होंने उनकी इन्विटेशन कार्ड बनाई, फ्रेमिंग में उन्होंने मदद किया एंड एवरी थिंग सी डिड फॉर मी. सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर दैट शी हैज़ हेल्प्ड मी सो, मतलब इन सच ए वे दैट आई हैव कम सो लॉन्ग इन माई कैरियर. 2012 के बाद मैंने एक दूसरा सोलो हमारा 2014 में हुआ, वो भी त्रिवेणी में ही था. उसके बीच ग्रुप शोज काफ़ी होते रहे, काफ़ी कैंप्स किए मैंने. उसके बाद जर्नी थोड़ी आसान हो गई क्योंकि आपको एक स्टैंडिंग मिल गई है, आपने सोलो किया हुआ है, आपने ग्रुप किया हुआ है, तो इससे आपको आगे की जर्नी आपकी आसान हो गई. इस बीच 2012 में मुझे एक गुरु शिष्य अवार्ड मुझे IBN 7 की तरफ से मिला, जिसमें मेरी गुरु अंजलि एला मेनन और मुझे शिष्या के रूप में ये मेरा अवार्ड मुझे मिला था. तो ये एक छोटी सी मेरी जर्नी है, ओवरऑल जर्नी जो मेरी शुरू से लेके लास्ट तक की रही है. और अभी यहाँ आने के बाद अभी ये जो इवेंट हो रहा है, ये राष्ट्रपति भवन में आर्ट रेजिडेंसी जो कि ललित कला ने ऑर्गेनाइज़ किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ललित कला एंड चेयरमैन सर दैट उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस कैंप का हिस्सा बन सकूँ और इतने सीनियर और एमिनेंट आर्टिस्ट के साथ मैं एक स्टेज शेयर करूं, ये बहुत ही सम्मान की बात है. इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू ललित कला एंड द चेयरमैन. एमिनेंट आर्टिस्टों के साथ लाया गया तो उनको उसका भी मौका लगा कि उनके साथ कुछ इंटरेक्ट करें. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ललित कला का और मैं चाहूँगी कि ये इनिशिएटिव इनका जारी रहे और भविष्य में भी इस तरह के ये वर्कशॉप कराएं जिसमें और लोगों को मौका मिले इस, मतलब इतने अच्छे जगह पर आने का. इतना अच्छा यहाँ वातावरण, खुली जगह है बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ बर्ड हैं तरह तरह के. अभी एक यहाँ बुक रखी है जिसमें राष्ट्रपति भवन के बर्ड्स के चित्र हैं. काफ़ी बर्ड्स हमने ऐसे लाइव देखे जैसे मुझे लगा कि अच्छा ये तो बुक्स में लिखी हुई हैं यहाँ. तो फिर भवन में, जैसे राष्ट्रपति भवन में भी हमने अंदर भवन में घूमा जिसमें अशोका हॉल, दरबार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल हमने देखा. उसके बाद म्यूज़ियम भी हम अंदर घूम के आए. तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस. सिटीस्केप्स बनाती हूँ और सिटीस्केप्स जो होता है वो मेरा इमेजिनेशन होता है. इट्स नॉट रियल सिटी स्टेट विच वी सी ऑल अराउंड. तो इस इमेजिनेटिव, हमारे इमेजिनेटिव सिटीस्केप्स में कुछ पार्ट बिल्डिंग्स की होती हैं, कुछ फर्नीचर की हो सकती हैं, कुछ कपड़े हो सकते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी थिंग कम्बाइंड दैट गिव्स लुक्स टू लाइक अ सिटीस्केप्स. इट्स नॉट ए रियल वन, इट्स माई इमेजिनेशन. और मेरी ये, मुझे ये लगता है कि ये ब्राइट कलर्स जो मैं देती हूँ ये आपकी एनर्जी को दिखाता है, ये आपकी खुशी दिखाता है कि आप, मतलब कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो. ये लाइवली कलर्स हैं, दिस इज़ वेरी, मतलब कि आई कैचिंग ऑल्सो. स्क्रिबलिंग में बर्ड अभी तक मैंने नहीं किया था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग. बट यहाँ राष्ट्रपति भवन से इंस्पायर होके यहाँ की चिड़िया इतनी दिखी, यहाँ मैंने मॉर्निंग इवनिंग में वॉक लिया है, सो मेनी बर्ड्स आई हैव सीन कि मैंने बोला कि नहीं, यहाँ की ये ड्राइंग की सीरीज जो बनेगी वो बर्ड्स से ही बनेगी. तो मैंने बर्ड्स को लेके यहाँ 4 या 5 महीने अभी ड्राइंग किया है. सो इन ए वे इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर मी एंड वेरी गुड फॉर माई कैरियर ऑल्सो. और राष्ट्रपति भवन में यहाँ आने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए जिसमें हमने 2 वर्कशॉप बच्चों के लिए, केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति परिसर के बच्चे थे, राष्ट्रपति भवन परिसर के, और एक
बाहर के स्कूल के, फरीदाबाद के, गुड़गांव के भी, केवी के कुछ बच्चे थे, जिसमें एक बार हमने 15 बच्चों का लिया, उसमें से फिर हमने 5 बच्चों का वर्क सेलेक्ट किया, उसको हमने दोबारा इन्वाइट किया, फिर इन 55 बच्चों के साथ हमने एक 15 तारीख को हमने एक दोबारा वर्कशॉप लिया। इस वर्कशॉप में मैंने डिसाइड किया कि ये वर्कशॉप मैं ग्रुप में लूँगी, क्योंकि 55 बच्चों का काम एक साथ लेना इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो मैंने 3 ग्रुप में बांटा और हमने 3 लोगों ने इस वर्कशॉप को लिया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बच्चे बहुत खुश थे, बच्चों को हमने गाइड किया, उनको थोड़े हमने टिप्स दिए, और एज़ यूजुअल बच्चों से आप भी कुछ सीखते हो, वो उनकी एनर्जी, उनको वो एंथुसियाज्म, वो देख के लगता है कि आपको भी एनर्जी आ गई है, आप भी उतने ही यंग हो गए हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव लगता है बच्चों के साथ काम करने का।